अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल एड्स के जो है कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अगर ईमेल आईडी के आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल की कैसे कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके मेथड्स हैं जैसे गूगल एडसन है, तो सब के आप कैसे वेरिफिकेशन करें। तो आपको यही मैं कहूँगा कि इनके आपने लाजमी अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन करें, क्योंकि यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप किसी को पासवर्ड का आपको पता भी चल जाएगा वो फिर भी लॉग इन नहीं हो सकता। तो बाय मिस्टेक कहीं किसी भी तरह किसी आपको पासवर्ड किसी ने पता किसी को चल गया, या कि आपसे आपने बता दिया है, या फिर उसको कहीं से देख लिया आपके ये आपके ब्राउजर से कहीं से निकाल लिया, या कि सेव आप करते हैं और वहां से भी कोई निकाल सकता है तो वहां से निकाल, जो भी किसी ने कर लिया। लेकिन अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने की होगी तो आप कोई भी निकाल नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं आपके सामने ये मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ आपके पास मोबाइल के ऊपर आप येस और नो के दो ऑप्शन आएंगे, तो ये आप जो मोबाइल जिस मोबाइल के ऊपर आप जो है आपने जीमेल अपनी आईडी लगाई होगी, जीमेल आईडी यहाँ अपनी यानी कि ये आईडी जो आपके अभी लैपटॉप में चल रही है वही अगर अपने मोबाइल में, तो वहाँ आपको प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा येस और नो का। अगर नो करेंगे तो आपके पास इस तरह का रीसेंडेड, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा तो रीसेंडेड का ऑप्शन, अगर नो करेंगे तो फिर वेरीफाई नहीं होगा, येस करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अभी अब येस पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये वेरीफाई हो चुका और इंटरनेट से मेरा मोबाइल कनेक्ट था। अगर आपका लेट्स सपोज मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपना नंबर दें, जैसे कि मैंने इसको थोड़ा हाइड कर दिया था, इन्फॉर्मेशन को मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक टैक्स आपको मोबाइल का कॉल भी कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। तो मैंने टेक्स्ट मैसेज को यहां सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप लोगों ने आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आएगा, वो मैसेज जो 600 का जितना भी आपने यहां एंटर करना है, और एंटर करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं अगर आप जीमेल आईडी के थ्रू या येस नो का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज आप लोग इसको भी सिलेक्ट करके मेरे मोबाइल के ऊपर जो है टेक्स्ट मैसेज भेजा जाए ताकि मैं उसको वेरीफाई करूं तो फिर मैं इसको यूज कर सकता हूं। इसलिए जब आप ये सेकंड लेयर ये यानी कि इसको अगर करेंगे वेरीफाई ये आपने लगाया होगा तो कोई भी आपके यानी कि सिक्योर हो जाएगा, कोई भी इसको यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी चीज़ के बारे में आपको जो है प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।